नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू शो के बारे में, डांसी प्लस के बारे में। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, स्टार वहाँ पे आने वाला ये शो, इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई इस शो के बारे में क्या क्या था, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं कैसे भाई इस शो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊँगा कि भाई कैसे वो रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार माँ एक नया शो लेके आने वाला है, जिसके अंदर आप डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ये एक रियलिटी अपकमिंग शो है, और इसके अंदर अगर आप डांसिंग का शौक रखते हैं, आप भी जाना चाहते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एक्सक्लूसिव टीज़र भी आपने देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, इसके चैनल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्टार माँ के ऊपर जो फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो शो की टीआरपी भी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। वैसे इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और आज हम जानेंगे कि भाई कैसे आप डांसी प्लस के ऑडिशन प्रोसेस को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानेंगे। ओमकार जो शो था गाइस, उसके जजेस ही आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और या फिर आप हॉटस्टार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, यानी कि इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अब जान लेते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर से आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे आपको इसका जो फॉर्म है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, फिल करना है। बाकी आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही होगी, जो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप सीधा इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इधर अपना फोन नंबर एंटर करना है। मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है, जनरेट ओटीपी, आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इधर डालना है। आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओटीपी सेंड हो चुका है। मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन में ओटीपी आया होगा, और वो मैं ओटीपी डाल के रजिस्टर करूँगा आगे के लिए। गाइस, जो ओटीपी है वो आ गया है, मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं वेरीफाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर ये फॉर्म है पूरा खुल के आ चुका है, और ये इधर गाइस देख सकते हैं वीडियो चालू हो चुकी है। इस वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि साउंड आ रहा था, तो इसको बंद करते हैं। डालते हैं सबसे पहले इधर अपना नेम। तो गाइस, आपको अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद आपको सिंपली इधर मेल है, आप मेल डालिए, फीमेल हैं तो फीमेल, अदर हैं तो अदर। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ गाइस फटाफट। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए, उसके बाद ये मेरी एज दिखा दी इधर 22, और उसके बाद आप देख सकते हैं इधर इफ़ आई एज 18 से नीचे अगर आपकी एज है तो आप इधर अपने फादर का नेम डाल सकते हैं। तो इधर मैं अपने फादर का नेम डाल देता हूँ। अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो उन्हीं का ही आपको फ़ोन नंबर भी डालना है, अपना ईमेल डालना है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप डालिए इधर, आप कौन से शहर में रहते हैं सिटी टाउन डालिए, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं आप हैदराबाद, त्रिपुरा या इनमें से कोई आप ऑडिशन सेंटर प्रेफर करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी ऑडिशन सेंटर प्रेफर कर सकते हैं, जहां पर आपको पास पड़े वो आप डाल सकते हैं इधर। डांस कैटेगरी डालिए, आपको कौन सा डांस आता है, सोलो, ड्यू, ग्रुप, जो भी आप डांस करना चाहें वो आप इधर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है, आपको जो वीडियो का साइज 64 MB का होना चाहिए वो आपको इधर वीडियो अपलोड कर देनी है, और जैसे ही आप अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है मोस्टली सबमिट हो जाता है, क्योंकि वीडियो से ही वो जज करेंगे कि भाई आपको सिलेक्शन कराना है या फिर नहीं कराना। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है अपने डांस पैशन को लेकर के, भाई आप कितने एक्साइटेड हैं इस डांसिंग शो के अंदर जाने के लिए। तो इधर आपको 400 करेक्टर में फटाफट लिख देना है कि भाई मुझे जाना किस लिए ज़रूरी है, क्या है, मतलब तुम्हें कितना अच्छा लगता है कितना नहीं, वो सारा आप लिख सकते हैं। बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर तेलुगु, जौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप इधर प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही डालिए। हालांकि अगर आपको नहीं आ रहा कि भाई कैसे लिखूं तो आप क्या करिए, ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर काफ़ी अच्छा टूल है, जिसकी हेल्प से आप ट्रांसलेट करके वो पूरे का पूरा पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो गाइस, आप गूगल ट्रांसलेटर का अगर यूज़ करते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सेप्ट कर देना आपको टर्म्स और कंडीशंस पे, जो आपका पेरेंटल कॉन्स्टेंट
है वो भी आपको इधर एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेंड करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो सेंड हो जाएगी। इतना सा ही काम करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो वीडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए, साथ ही साथ जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं मतलब कि जो आपको 400 वर्ड्स का लिखना है ये थोड़ा सा लॉजिकली होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में आप एक अच्छे डांसर बनने के लायक हैं। तो ये सारी जानकारी अगर आप सही से फिल करते हैं तो आपको भी बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है तो मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट भर लीजिए। बाकी इस फॉर्म का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी, तो जाइए फटाफट भरिए और मुझे बताइए कि गाइस कैसा रहा आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बाकी फर्दर कोई भी डिटेल मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। तो मिलता हूँ मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।